60 से 70 की उम्र में लोगों ने बनाई खतरनाक बॉडी, देखकर यकीन करना मुश्किल। जिस उम्र में लोग ठीक से उठ बैठ नहीं सकते हैं, उस एज में कुछ लोगों ने ऐसी बॉडी बनाई है जिन्हें देखकर यकीन करना किसी के लिए मुश्किल हो सकता है। इनमें किसी की उम्र 65 साल है तो किसी की उम्र 70 साल। आज हम आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं, जानिए इनके बारे में। एंड्रियास कोहलिंग स्वीडन के रहने वाले एंड्रियास 63 साल के हैं और वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं। 1980 में उन्होंने आईएफबीबी मिस्टर इंटरनेशनल का खिताब जीता था। इसके अलावा वो कंग फ्यूरी मूवी में भी काम कर चुके हैं। अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए पिछले कई सालों से वो लगातार जिम जा रहे हैं। ऐसी बॉडी बनाने के लिए एंड्रियास ने न तो कोई मांस का आइटम सेवन किया और न ही उससे संबंधित प्रोटीन का सहारा लिया है। रस्टी जेफर्स न्यूयॉर्क अमेरिका के रहने वाले रस्टी जेफर्स 53 साल के हैं। रस्टी एक प्रोफेशनल रेसलर हैं। 12 साल की उम्र में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी थी और 17 साल की उम्र में पहला टूर्नामेंट जीता था। इसके बाद वो लगातार 3 बार चैंपियंस ऑफ एरिजोना बने थे। फिलहाल फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं और इस उम्र में हर दिन जिम जाकर अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। रॉबी रॉबिन्सन जॉर्जिया यूएस के रहने वाले रॉबी रॉबिन्सन की उम्र 71 साल है और वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे। लोग इन्हें द ब्लैक प्रिंस और मिस्टर लाइफस्टाइल के नाम से भी जानते थे। 1994 में रॉबी आईएफबीबी मिस्टर ओलंपिया मास्टर का खिताब जीत चुके हैं। इस उम्र में उनकी ऐसी खतरनाक बॉडी है जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। सैम ब्रायंट जॉर्जिया के रहने वाले सैम ब्रायंट 73 साल के हैं। सैम ब्रायंट के बारे में बताया जाता है कि शादी टूटने के बाद वो काफी डिप्रेशन में चले गए और इस गम से बाहर निकलने के लिए उन्होंने स्पोर्ट्स का सहारा लिया। केवल 11 महीने के अंदर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और तीसरे स्थान पर रहे। उनका कहना है, उम्र किसी भी चीज के लिए बाधा नहीं होती, सारा खेल आपके सोच की है। इस खतरनाक बॉडी को मेंटेन करने के लिए हर दिन वो जिम में वर्कआउट करते हैं। स्वेतोजर निकोचेविच मोंटेनेग्रो के पोर्ट गोरिका पाजोरिका के रहने वाले स्वेतोजर निकोचेविच की उम्र 61 साल है। एक समय में स्वेतोजर फुटबॉल खिलाड़ी हुआ करते थे और लोग इन्हें कीका के नाम से जानते थे, लेकिन जब वो 30 साल के थे इंजरी के शिकार हो गए और फुटबॉल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।